दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और आज है वेडनेसडे। काफ़ी लेट निकला मैं अपने होटल से, तो ये है सारा कायरो और मैं इस वक्त जा रहा हूँ रामसेस रेलवे स्टेशन, जिसको यहाँ मिस्र रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं, जो कायरो का मेन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से पूरे इजिप्ट में मिस्र के लिए ट्रेन्स जाती हैं। तो इन गलियों से बाहर निकलने के लिए, रामसेस रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैंने मदद ली गूगल मैप्स की। जो एप्लीकेशन है दिखा रहा है कि 8 मिनट के बाद मैं पहुँच जाऊँगा रामसेस रेलवे स्टेशन। वॉकिंग डिस्टेंस है। इस वक्त मैं हूँ नगीब अल रिहानी। यहाँ समझ में नहीं आता कि ट्रैफिक किस तरफ से आएगा। एक्चुअली यहाँ हमारे जैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ ट्रैफिक राइट साइड पे चलता है रोड के, जबकि हमारे यहाँ लेफ्ट में है। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उसके ठीक ऊपर M लिखा हुआ है लाल रंग में, वो है कायरो मेट्रो का आइकन। जहाँ जहाँ पर आपको ऐसे लाल वाले M नज़र आएंगे और सीढ़ियाँ जा रही होंगी, मतलब वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन। भूख लगी थी तो चाह भुट्टा खा लेता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो खुशबू आई भुट्टे की। ये है 3 pounds का एक भुट्टा। तो है ये देश वाकई बहुत अलग है बाकी औरों से। मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है दुनिया के बाकी और देशों में और यहाँ में, बहुत डिफरेंस है। लोग एक्चुअली बहुत एग्रेसिव हैं। मैं भुट्टा ले रहा हूँ, पीछे से एक आदमी चिल्ला रहा है बुरी तरीके से, और वो शायद ये कहना चाह रहा है कि यहाँ फ़ोटो मत लो। ऐसे ही अभी मैं फ्लाईओवर के नीचे से निकलते हुए भी लोग ऐसे ही 25-30 साल के बीच के लोग हैं, ये तो चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। मैं इग्नोर कर रहा हूँ इनको, स्माइल भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इनसे बचने के लिए। प्रोबेबली ये है रामसेस रेलवे स्टेशन, और राइट साइड में ठीक वहाँ पर एक M लगा हुआ है जो एक्चुअली मेट्रो स्टेशन का निशान है। यहाँ ATMs हैं नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट के, और इधर सामने भी ATM है। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था टिकट वेंडिंग मशीन्स के बारे में, ये उनमें से एक है। अब ये पता नहीं काम कर रही है या नहीं, बट ये बेसिकली कुछ ऐसी होती है, और इसमें लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चूज़ किया इंग्लिश को। इसमें 3 तरह के ऑप्शन हैं, एयर कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन और सबर्बन ट्रेन टिकट्स। तो मैं अभी एयर कंडीशन को क्लिक किया है। अभी सारी ट्रेन्स दिखा रहा है। ये आज की डेट है 24 वेडनेसडे को। अरे टच स्क्रीन ख़राब है क्या, नहीं तो कोई और डेट आ गई है। मशीन तो काम नहीं कर रही भाई, इसका टच इतना ख़राब है। मैं यहाँ टाइप करता हूँ तो ये नीचे वाला सेलेक्ट हो रहा है, और मैंने जब सेलेक्ट किया था तो दिखा रहा है अनअवेलेबल। मेरी हेल्प कर रहे हैं टिकट दिलाने में, और अब ये मुझे ले जा रहे हैं वहाँ जहाँ पर आई एम फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच। तो अब इनके साथ मैं जा रहा हूँ टिकट विंडो पर। फर्स्ट क्लास विंडो। ये है फर्स्ट क्लास विंडो। इट्स सो क्राउडेड। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये थर्ड क्लास डब्बा है। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये है यहाँ का थर्ड क्लास डब्बा। आर यू श्योर दिस इज थर्ड क्लास? दिस इज वेरी गुड। यस So bad. This is cheapest one. If you start now, you will reach it there at 12th month. Okay. All right. ये भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि जो ट्रेन का फेयर है यहाँ से लक्सौर का, लाइन में खड़े होने के बजाय अच्छा है कि बस से चले जाओ आप। ये खुद भी आसवान तक जा रहे हैं। Are you going to आसवान? Where are you going? To Suhag. Suhag. This is city is before Luxor. ओके। उनका कहना ये है कि अब बस से निकल जाओ, जैसे कि सुपर जेट से मैं आया था अलेक्जेंड्रिया से कायरो तक, तो उनका कहना है बस से चले जाओ, सस्ता पड़ेगा, कंफर्टेबल रहेगा, एयर कंडीशन है, तो ठीक है बस से निकल जाता हूँ। ये भाई साहब बता रहे हैं कि
ये जो रेलवे स्टेशन है कायरो का, जो मेन रेलवे स्टेशन है जिसको रामसेस रेलवे स्टेशन या फिर मिस्र रेलवे स्टेशन बोलते हैं, उसके ठीक साथ में जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है शुहैदा, और इसके ठीक साथ में है बस स्टेशन जहाँ से आपको इंटरसिटी बसेस मिल सकती हैं। दिस इज व्हाट इजिप्ट पोस्ट पोस्ट ऑफिस, इजिप्ट पोस्ट ऑफिस, ओके, दिस इज द हेड ऑफिस ऑफ दैट, वी हैव इंडिया पोस्ट, है इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट, इजिप्ट पोस्ट, हरी हरी buses, buses, super jet bus, yep, super jet. Oh. India, actually we have mobile applications like Red Bus. You can book buses online, so you don't have such applications here. I don't know. Okay, really, okay. I don't know. Yeah, yeah. But it's available. Uh-huh. Here you can book it in Luxor. 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 Egyptian में इस जगह का नाम है Luxor. शाम के 4:45 बज रहे हैं और मैंने यहाँ अभी फेमस जगह का सुपर जेट बस एजेंसी है, यहाँ से टिकट ली है 140 पाउंड्स की यहाँ से Luxor के लिए. आधा घंटा पहले टिकट ले ली थी मैंने, वो भाई तो चले गए जिन्होंने हेल्प की थी, और अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर. एक्चुअली गर्दन में फिर से दर्द हो रहा था, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब मैं गूगल मैप्स में चेक करूँगा कि कैसे मैं आसपास की लोकेशंस, मैं यहाँ पर हूँ उस वक्त, ये है मेरी लोकेशन, और अब मुझे चेक करना मेरे आसपास खाने की कौन कौन सी जगह, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ मैं जा सकता हूँ मेरे इस लोकेशन के आसपास. मैंने यहाँ पर गया मैं, और यहाँ रेस्टोरेंट्स पेट्रोल, या रेस्टोरेंट्स पेट्रोल, टेम्पल्स, शॉपिंग सेंटर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैंने टाइप किया रेस्टोरेंट्स, और अब ये बता रहा है कि मेरे आसपास कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं आसपास में, अल मदीना रेस्टोरेंट, नियामा रेस्टोरेंट, बहुत सारे हैं. डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से कितना है, आप फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अभी कौन कौन से ओपन हैं, या फिर टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, आप इन फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे मैंने देखा, जैसे मैं रेटिंग्स के आधार पर अगर देखूं, रेटिंग्स के बेसिस पर 4.1 एक रेटिंग मिली हुई है किसी को, अब उसको मैंने क्लिक किया. इसका नाम है अल हैफी रेस्टोरेंट, और ये यहाँ से कैसे जा सकते हैं ये आप चेक कर सकते हैं. यहाँ ये डायरेक्शंस क्लिक करेंगे, अब मेरी लोकेशन से अल हैफी रेस्टोरेंट तक जाने का रास्ता इसने बता दिया है. 4 मिनट लगेंगे अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा, तो पैदल लगेंगे 7 मिनट. तो ऐसे ही आप रेस्टोरेंट्स के अलावा पेट्रोल पंप्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपके आसपास देखने लायक कौन कौन सी जगह हैं वगैरह वगैरह, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है गूगल मैप्स से. मुझे अभी खाना खाना है और उसके बाद कहीं घूमने जाऊँगा. मुझे याद आया एक एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की थी, इसका नाम है ये गूगल ट्रिप्स. गूगल ट्रिप्स बेसिकली क्या है, आपका जो जीमेल को वो स्कैन करता है, और उसके हिसाब से आपके सारे के सारे ट्रिप्स को वो एक जगह पर इकट्ठा कर देता है. जैसे इसने गूगल ट्रिप्स ने अपने आप एक बना दिया, ट्रिप फ्रॉम कोलकाता टू अफ्रीका, न्यू दिल्ली एंड मिडिल ईस्ट, ये एक ट्रिप है. और इसमें आपको अगर ऑफलाइन डाउनलोड करना है अलेक्जेंड्रिया के बारे में कायरो, मतलब जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ की मैप्स और इन्फॉर्मेशन को ऑफलाइन डाउनलोड कर देता है. मैंने इस पर क्लिक किया, और अब यहाँ पर मुझे कायरो, मैं इस वक्त यहाँ कायरो में हूँ, कायरो क्लिक किया, और अब मेरे आसपास में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो मैं देख सकता हूँ मेरे इस लोकेशन के पास में. थिंग्स टू डू क्लिक किया, और अब ये बता रहा है कि मेरी इस जगह से खाने खलीली 1.3 माइल्स दूर है, 1.5 माइल दूर है तहरीर स्क्वायर, 1.4 है अल अजहर मॉस्क और अल हुसैन मॉस्क वगैरह वगैरह, बहुत सारी रेलवे स्टेशन है 0 माइल्स दूर है, बिल्कुल ठीक सामने है. तो ये मेरी लोकेशन के आसपास जो जो घूमने लायक जगह हैं वो बता देती है ये एप्लीकेशन. गूगल ट्रिप्स बहुत काम की चीज़ है. फिलहाल मैं खाने खलीली जाने का सोच रहा हूँ, और मेरी लोकेशन से खाने खलीली की डायरेक्शन देखने के लिए मैंने उस पर क्लिक किया, और अब डायरेक्शन पे क्लिक किया, और अब मुझे ये दिखा रहा है खाने खलीली जाने का रास्ता. आधा घंटा लगेगा अगर पैदल जाऊंगा तो,
19 मिनट लगेंगे अगर मैं गाड़ी से कार से जाऊँगा, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम है। कैसे जाना ये बाद में देखूंगा, बट मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मेरे को इस वक्त जाना कहाँ पर। तो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है गूगल ट्रिप्स एप्लीकेशन। लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से रामसेस रेलवे स्टेशन के पास में जहाँ खड़ा हुआ था अभी सुपर जेट के बस स्टैंड से, तो वहाँ से अब मैं जा रहा हूँ खाने खलीली। ऊबर कर सकता था, करीब 27-28 पाउंड्स लग रहे थे वहाँ तक जाने के लिए। और यहाँ से एक जगह है यहाँ पर, वहाँ से मिल जाएगी मिक्रो बस। यहाँ पर भी मिक्रो बस बोलते हैं रशिया की तरह, तो मिक्रो बस में लगेंगे 2 या 3 पाउंड्स। और वहाँ से मेरे को बस पकड़नी है हुसैन के लिए, हुसैन मॉस्क के लिए। उसके ठीक पीछे है खाने खलीली बाज़ार। एक ओमनी वैन चलती है ना हमारे यहाँ, सुजुकी वाली मारुति ओमनी वैन, मैं उसी में बैठा हुआ हूँ। पीछे 3 सीट्स हैं, आगे 3 सीट्स हैं, और आगे ड्राइवर के साथ में 1 सीट और है। करीब 3.5 पाउंड्स में मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ से, इस जगह से हुसैन के पास में, हुसैन जो मॉस्क है, और वहाँ खाने खलीली जो बाज़ार है वहाँ जा रहा हूँ। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर मिक्रो बस है, और इसको मालूम नहीं क्या बोलते हैं। भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, इजिप्शियन पैनकेक्स की दुकान है सामने, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाता हूँ जाके। ये है क्रीम पैनकेक 30 पाउंड। ये है सारा खाने खलीली बाज़ार। इंडिया छोड़ने से पहले मैंने इजिप्ट टूरिज्म के लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप जब यहाँ पर होंगे कायरो में तो खाने खलीली बाज़ार ज़रूर जाना, और वाकई ये अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। यहाँ कायरो में, इनफैक्ट पूरे इजिप्ट में, इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि यहाँ टैप वाटर पीने लायक नहीं है। तो ये पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर मैं पानी ख़रीद कर पी रहा हूँ। मुझे मजबूरन जो बॉटल्ड वाटर है, पैकेज वाटर है, वो ख़रीदना पड़ रहा है। हालाँकि कुछ लोगों ने कहा कि आप पीना चाहें तो पी सकते हैं टैप वाटर को, साफ़ होता है, इजिप्शियंस पीते हैं। मेरे सामने कई लोगों ने पिया उस नल के पानी को, बट इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर पानी में क्लोरीन बहुत ज़्यादा मिलाते हैं लोग, तो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। तो मैंने कल अपने पुराने हॉस्टल से निकलते हुए 2 बॉटल्स ले ली थी 1.5 लीटर की, 5 पाउंड की ये बॉटल पड़ी थी, जो कि बाज़ार में 5 से 10 पाउंड के बीच में पड़ती है। देखता हूँ आज कितने की मिलेगी। एक और नई जगह, थोड़ी हैपनिंग सी जगह लग रही है। गूगल मैप्स पर भी मैंने चेक किया, इस गली का नाम, इस स्ट्रीट का नाम ज़कारिया अहमद लिखा है, पता नहीं उस पर तो ये लिखा है। अब एक्चुअल नाम यही है या नहीं, क्योंकि सारा अरबिक में लिखा हुआ है। ये कुछ हिंदी में है, इंग्लिश में है अल शर्किया, यहाँ पर सारा अरबी में है, और बेसिकली ये अताबा के आसपास में है। पाँच पाउंड्स की एक बॉटल है ये, 1.5 लीटर्स की, ठंडी है। तो मेरे ख्याल से अगले 2 दिन का काम ये हो जाएगा, 5 पाउंड्स की एक बॉटल मिल जाती है। हाँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया। बड़ी अजीब सी लिफ्ट है यहाँ की, अब दिखाता हूँ इसका दरवाज़ा कैसे खुलता है। ऐसे ऐसे पैसा, वैसे इनकी वजह से मुमकिन हो पाया मैं वो ट्रेन में सफ़र कर पाऊँगा। सेकंड क्लास टिकट मिल गई है, और ख़ास बात है इन्होंने अपना नेशनल आईडी यूज़ किया, जिसकी वजह से वो टिकट मुझे सस्ते में मिल गई है। ओल्ड विलेज, कोरना विलेज उस तरफ है, वेस्ट बैंक।
और इस तरफ है ईस्ट बैंक लक्सोर का। तो जनाब ये है दुनिया की सबसे लंबी।